इसका मैंने ड्रोन शॉट बहुत शानदार लिया। और भाई ऐसा है कि आज पानी भी बढ़ गई है, कल पानी यहाँ कम था लेकिन आज पानी इसका बढ़ी हुई है। जितना भी पानी है सब ऊपर ग्लेशियर से आती है। और देखो कितना दूर दूर तक पहाड़ है भाई, कितना दूर दूर तक पहाड़ है। ये देखो इस पहाड़ के बीच से सूर्य भगवान आ रहे हैं। और ये देखो पूरा मस्त पानी। हम लोग अब फ्रेश होते हैं, गाड़ी पर लोड करते हैं, फिर निकलते हैं लेह के लिए। तो आओ बताओ भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो भाई कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है वीडियो। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी मनाली में हैं। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सब नेचुरल, जैसे राजगीर में है ना वैसे ही नेचुरल है। और ये हम लोग देखिए, अरे नहीं नहीं ये पूरा नेचुरल है। और हम लोग पानी लेके कूद रहे हैं गोबरों को, ये पूरा नहाने के लिए बना हुआ है। और हम लोग अभी नहाने भी जा रहे हैं, नहा भी लिए हैं और फिर से नहाने जा रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है भाई, काटने वाला डासा है कहीं लगले लगले वाला, अरे डासा ना मधुमक्खी वाला। तो फाइनली गाइस हम लोग मनाली से निकलने के लिए रेडी हैं, और मनाली से निकल के जिस्पा तक जाएंगे। आज का आज आप लोग को दिखाएंगे अटल टनल, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे एडवांस टनल है जो दिखाएंगे। उधर शाम भर का तैयारी चल रही है निकलने की, परेशान हो जाते हैं यार, रूम बहुत बिखर जाता है भाई, इतना सामान रहता है कि इधर उधर करते करते बहुत टाइम लग जाता है। कोई नहीं, मिलते हैं अब मोटर ब्लॉगिंग मोड में। और ये रहा होटल लैंडमार्क नेचुरल हॉट वाटर, जो मॉर्निंग में नहाए भी थे वो दिखाएंगे भी। स्प्रिंग स्विमिंग पूल, सेपरेट बाथ फॉर लेडीज एंड बाथरूम, सब चीज़ था भाई। होटल मस्त थी, होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग को। ऐसा ये फर्स्ट होटल था जिसमें हम लोग को पानी फ्री मिला, न तो लगभग होटल में हम लोग पानी पैसा से ही लिया था। थोड़ा सा गोप्रो को सेटिंग को देख लेता हूँ कि आप लोग को व्यू अच्छा मिले। कर सारे राइडर लोग के साथ सब निकलेंगे लेह के लिए। और ये रहा पूरा मनाली का व्यू, ये देखो राइडर लोग भैया लोग किस तरह से जर्किन लेके जाते हुए। सो सेटिंग डन, देखो भाई आगे राइडर लोग को देख रहे हो कितना आगे हमारे सेक भाई हैं, कितना सामान लोड करके लेके जाना पड़ता है, जो उतना सारा सामान लोड करके लेके जाना पड़ता है। मनाली शहर दिखाता हूँ, उसके बाद निकल के फिर आपको लेके चलता हूँ अटल टनल के पास। और ये वादियाँ देखो कहाँ से आज मॉर्निंग का शुरुआत हुई है, जो ये वादियाँ देखो शुरुआती का वादियाँ। आज ये वादियाँ हम लोग को मॉर्निंग में मिल गई थी, मस्त भाई भाई भाई। जहाँ पर उन्होंने रूम भी लिया था वह बहुत सुंदर सा रूम था, सुंदर सी नज़ारा भी था। बगल में ब्यास नदी बह रही थी, और जब मॉर्निंग में उठा भाई इतना मस्त आवाज़ आ रहा था नदी का बहने का, जो पत्थर से टकरा रहे थे। तो हमने गया वहाँ पर देखा, फिर सोचा कि आप लोग को भी वो ब्लॉग दिखाऊँ, तो फिर यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्ड करके बनाया और दिखाया आप लोग को भी। तो राइडर मस्त सपोर्टिव है यार, दोनों मस्त लग रहा है उन दोनों के साथ राइड करके। ऐसे मेरा हिमांशु भाई के साथ भी राइड किया था तो मस्त लगा था, मस्त सपोर्टिव आदमी यार। इसमें तो एक चीज़ है कि भाई सैम भाई अच्छा है, नेक्स्ट टाइम विजिट अगेन सैम भाई। ये देखो यहाँ से दो रूट निकलती है, ये चलती है रोहतांग पास, ये चल जाती है मनाली रोड। तो हम लोग अब कहाँ का अटल टनल जाएगी। ऐसा है कि आप लोग को बता दूं कि मंगलवार को रोहतांग पास बंद रहता है, तो कोशिश करना मंगल को रोहतांग पास नहीं जाएं, अटल टनल से ही जाएं। और सोचे थे हम लोग कि रोहतांग पास होते जाएंगे, बट सम रीज़न हम लोग रोहतांग पास नहीं जा पाएंगे, लेकिन कोई नहीं आज अटल टनल ही हम लोग करेंगे। ये देखो ये पूरा शहर है ना मनाली है, ऐसे मनाली का मेन रोड माल रोड है, जो उधर यहाँ से जो कट होती है उधर रोड चल जाती है, ये पूरा मनाली आप घूम सकते हो। देख रहे हो कितना टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, जो ये देखो भाई व्यू, इस पेड़ को देखो सब साल ब्रिज है भाई। राइट साइड में रहा व्यास ने जी, तो कल आपने प्रीवियस ब्लॉग में मेरा देखा कि नहीं भाई, मस्त ड्रोन शॉट लिया था यार, बहुत ऑसम ड्रोन शॉट।
और भाई हमारा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे रील और फोटो अपना डालते रहता हूँ और जो नया ट्रिप और नेक्स्ट ट्रिप का इन्फॉर्मेशन भी उस पर आते रहता है। भाई को फॉलो करो यार। जब विंटर सीजन में आओगे तो यहाँ पर एकदम पूरे स्नो से ढका हुआ रहेगा। अभी तो हम लोग समर सीजन में आए लेकिन फिर भी भाई बहुत ठंड लग रही थी। रूम में हम लोग बिना पंखा चलाए ही सोया था, ऐसा सीन था भाई। अभी धूप निकली है तो मौसम थोड़ा सी ऐसा नहीं है कि पूरे गर्म है, नॉर्मली है, चल सकते हैं टी शर्ट पर ही। तो भाई देखो राइडर लोग, भाई ये देखो सब लोग भैया को पूरे जब जब झूल फेते रही। ये देखो हम लोग व्यास नगर नदी फिर से अब आ गई है बाएं साइड में, ये देखो इधर भी राफ्टिंग करने का क्या ब्रू। ये टूरिस्ट लोग को सपोर्ट करते हैं पुलिस लोग। कैसा आप पाते हो मनाली में तो आप लोग को गाड़ी रेंट पर भी मिल जाएगी, उसका कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ सब जो गाड़ी चाहते हो वो गाड़ी आप रेंट पर कर सकते हो और रेंट से आगे निकल सकते हो। लेके भाई कब मेरा हिमालयन आएगा यार, कब हमें अटल टनल रोहतांग 24 किलोमीटर, बस 24 किलोमीटर और है भाई ड्रीम, बस 24 किलोमीटर। ये देखो भाई ये स्नो से ढका हुआ पहाड़, वो पूरा हिमालय रहा हुआ है, वहाँ तक जाना है भाई अपन को। वो देख रहे हो आप लोग को गोप्रो कैद करेगा वो भाइट भाइट सब पहाड़ है भाई, कितना मस्त व्यू है। फैमिली नीचे ब्यास नदी, इधर सड़क और ऊपर हमारा स्नो से ढका हुआ, ये जितना भी पानी आ रही है सब हिमालय से ही आ रही है। ऊपर से स्नो से जब स्नो जब मेल्ट होता है तो ये सब पानी, ये पानी को टच करे तो बहुत कोल्ड रहेगा भाई। इधर कैंपिंग करने का भी सुविधा है भाई, यहाँ पर आके आप कैंपिंग वूपिंग भी कर सकते हो। इधर ये सब ड्रेस आप लोग को रेंट पर मिलेगी, ऐसा भी यहाँ सुविधा है। गाड़ी रेंट पर भी मिलेगी, ड्रेस रेंट पर मिलेगा, कुछ नहीं बस आप आ जाओ यहाँ और फिर यहाँ से कुछ नहीं दो जोड़ा कपड़ा लेकर आओ फिर यहाँ से रेंट लो घूम लो यार, क्या मजा है भाई। हिमाचल शॉप नंबर इतना, ये देखो छोटू सी इधर से निकल के आ रही है ब्यास नदी और ये सब टेंट, इधर आप स्टे कर सकते हो मस्त भाई भाई की भाई। देखो सब घूमने जा रहे हैं ये सब, ये देख लो सोलॉन्ग वैली 7 किलोमीटर, अटल टनल 9 किलोमीटर, लेह 423 किलोमीटर। तो लेह तो आज हम लोग पहुंचेंगे नहीं भाई, तो आज तो हम लोग कहाँ तक पहुंचता हूँ, ये 1:30 बज गई है। चढ़ जा मेरे शेर, ये देखो चढ़ाई शुरू हो गई है। अब हम लोग आज जाने वाले हैं 10,000 फीट ऊपर। आप लोग को गोप्रो कैद कर रही होगी, उधर से पानी मेल्ट होके आ रही है और ये सुंदर सा ब्रिज ब्यास नदी बना हुआ। और यहाँ आओगे भाई ये सब फ्लैग देख के बहुत सुकून मिलता है, बहुत खूबसूरत लगता है जब ब्रिज पर फ्लैग लगा हुआ रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और उधर से पानी आ रही है भाई मेल्ट होके उधर मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आपको मिलेगा पैराग्लाइडिंग, स्काई रोप, स्काई सेंटर जो ऊपर जाके हम लोग को रोपवे का तो मज़ा राजगीर में मिल ही जाता है। आप लोग आओ, आप लोग यहाँ से लो रोपवे का मज़ा। हाँ और बोला था ना कि हर एक्टिविटी होती है यहाँ पर लगभग एक्टिविटी। भाई हम लोग कितना नीचे से आ रहा हूँ, यहाँ का कुत्ता है देखो, यहाँ के कुत्तों को देखो तो घने घने बाल रहेंगे। वो नज़ारे क्या नजारे हैं,
तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं अटल टनल के पास। और ये जितना रोड अप पर मैं चल रहा हूँ ये सब रोड बनाया हुआ है ब्रो रोड ऑर्गेनाइजेशन का, बोले तो फुल नाम उसका हाफ नाम हुआ BRO। अच्छी रोड बनाई है भाई देश की सेवा करने के लिए, एक सैल्यूट आपको। सारे जगह भुट्टा मिल रही है, ट्राई करे क्या? तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं 10,000 फीट ऊपर, अर्थ से 10,000 फीट ऊपर अटल टनल के पास। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है अटल टनल। और आप लोग को पीछे का व्यू दिखाता हूँ, ये व्यू देखो भाई, देख रहे हो GoPro कैद कर रही है, दूर दूर तक पूरा स्नो से ढका हुआ, पूरा स्नो भाई, स्नो ये सब पूरा हिमालय रहा। और देखो लोग उससे क्रॉस करते करते ऊपर आया हूँ, और बस ऊपर जाना है इंडिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का भी सबसे ऊंचा टनल, और सबसे एडवांस टनल, और सबसे लंबा टनल अटल टनल के पास पहुंचने वाले हैं। और वहां का आप लोग को व्यू दिखा देंगे मोटरेबल मोड में। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए कुछ रील और फोटो शॉट हो जाए, और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उस पर भी फॉलो करो। तब तक के लिए आप लोग को और कुछ शानदार सा व्यू और 360 व्यू दिखाता हूँ। लोग आ गए हैं अटल टनल के पास, अटल टनल रोहतांग। तो ये रहा हमारा सामने अटल टनल, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बाइक रोक कर कुछ फोटो लेने का कोशिश करते हैं। लोग आ गए हैं अटल टनल के पास, यह इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टनल और सबसे लंबा टनल। अब ये व्यू देख रहे हो, ये है अटल टनल। तब बहुत प्राउड मोमेंट है, मैं पहला नालंदा वासी जो अटल टनल पास करने वाले हैं। और वो सामने देख सकते हैं 10,040 फीट पर बना हुआ अटल टनल। तो चलते हैं दोस्त उसको पास करते हैं, एंड थैंक यू BRO को जो इतना मस्त टनल और इतना शानदार टनल बनाया। ये प्राउड मोमेंट के साथ पार करने वाले हैं अटल टनल। तो देख सकते हो लिखा हुआ है साउथ पोर्टेबल अटल एट 10,040 फीट पर बना हुआ है दोस्त अटल टनल रोहतांग। तो पहले रोहतांग था इसको कवर करती है, और ये देख सकते हैं कितना एडवांस टनल है भाई, कितना एडवांस टनल है। जो इसका पूरा व्यू मैं दिखाता हूँ भाई। और इस पर पहला बात, इस पर ऐसा है कि इस पर लिमिट लिखा हुआ है कि गाड़ी को कितना ड्राइव करना है, ऐसा कुछ है भाई। मस्त टनल है भाई, मस्त, देख रहे हो कितना एडवांस बना हुआ है जो। और हर जगह इसके अंदर से वायु को निकालने के लिए, प्रेशर को निकालने के लिए, गर्मी को निकालने के लिए AC लगाया गया है, मतलब एग्जॉस्टर लगाया गया है कि जो इसे गर्मी को निकाल सके। और बहुत एडवांस टनल है भाई, नॉर्थ पोर्टेबल 8.4, लगभग में 9 किलोमीटर का यह टनल है दोस्त। और इसका लिमिट है, स्पीड लिमिट बनाया हुआ, इससे ज़्यादा स्पीड में चलाना नहीं है, 40 का स्पीड है इधर भाई। और आगे जाके हो सकती है कि इंक्रीज हो, लेकिन अभी तक तो 40 का ही है। और लिखा हुआ है 15 मीटर दूर रहो। देख लो भाई कितना मस्त बना हुआ है जो। थैंक यू BRO को जो इस तरह का रोड हम लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये देख लो भाई, अब 60 का लिमिट आ गया, हम लोग 60 क्रॉस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे, अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है जिससे हम लोग को आगे जाके चलान भी काट दिया जा सकता है। देख रहे हो लाइन सबके बरकेटिंग किया गया है कि उधर का लाइन उधर ही जाए, इधर का लाइन इधर जाए। और लाइटिंग का भी व्यवस्था बहुत शानदार किया गया है। और हमारे दोनों राइडर जो, तो फाइनली दोस्तों हम लोग का अटल टनल का टनल ख़त्म होने वाला है। प्राउड मोमेंट है भाई, सपना पूरा हुआ। इस सपना के पीछे है भाई मम्मी पापा का हाथ, और उस दोस्तों का हाथ जिन्होंने हम हर पल सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और भाई अब 1 किलोमीटर और बचा है तो वाला हूँ। और वो दृश्य ये देखो भाई, टनल से बाहर निकल गया भाई, निकल गया आपका भाई, टनल से बाहर आ गया। और जाना है उधर, क्या मस्त नज़ारे हैं भाई, टनल पे तो अंधेरा थी, यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है भाई। आगे जाता हूँ भाई, कोई रोकता हूँ, कुछ खाने का जुगाड़ देखा जाता। तो फाइनली दोस्त हम लोग अभी रोहतांग अटल टनल रोहतांग से निकलने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग का जिसपा का स्टॉपेज होगा। तो भाई बहुत सुंदर सी भाई आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा भाई,
कि हम नवंदा से निकले हुए छोटा यूट्यूबर जो यहाँ पर आके झंडा फहरा दिया भाई, वेलकम टू चंद्रा ब्रिज। ये देखो ये है ब्यास नदी जो उधर से जा रही थी, जगह देखो कितना मस्त है जो। और भाई यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है भाई, ठंड बढ़ रही है और हम लोग को मैप इधर लग जाएगी। लेह 396 किलोमीटर इधर, रोहतांगला पास जो आज बंद रहती है तो वो उधर है, कांजू सुमडू। हम लोग निकलेंगे इधर की तरफ और देखो कितना टूरिस्ट लोग आते हैं भाई, आप लोग भी आया करो यार। तो ये रहा टनल जिसे अभी क्रॉस किया था, और ऊपर से देखो भाई ऊपर से जो बर्फ पिघलती है ना तो साथ में बालू ये सब भी लेके आती है, पत्थर ये सब, वो देखो कैसा रहती आती है जो। देखो ऊपर से बर्फ पिघल के आ रही है ना पानी, वो सब बर्फ का पिघला हुआ है भाई। तो फिर से राइड स्टार्ट हो गया है भाई, मस्त भाई आ रही है। यहाँ पर एक प्राउड मूवमेंट है भाई कि उस छोटे सा शहर से निकल कर इतना बड़ा सपना देखना और यहाँ पर पहुँचना बहुत बड़ी होती है भाई। केलोंग 37 किलोमीटर, 10,000 फीट ऊपर था भाई ये, 10,000 फीट अर्थ से बोला जाए तो हिलसा या नालंदा से 10,000 फीट ऊपर। भाई भाई को सपोर्ट करो यार। यानी क्या तो फैमिली यहाँ पर हमने अभी ये देख रहे हो हैंगआउट शिशु देख रहा है, यहाँ पर हम लोग अभी खाना खाए थे और खाना खा के निकल रहे हैं फिर से आगे। आज हम लोग का केलोंग तक का सफ़र हुआ क्योंकि यहाँ पर एक अंकल मिले थे, बोले कि देखो ऐसा है कि पहले सिचुएशन देख लो क्योंकि तुम लोग नीचे से आए हो और अब तक जाओगे तो ऐसा नहीं कि कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग अभी केलोंग रुकेंगे, केलोंग से कल आगे निकलेंगे। तो ये देखो हम लोग रुक ऐसे ही ड्राइव होती है भाई, तो मस्त व्यू और हमारे पीछे आ रही होगी व्यू खतरनाक सी। और देख रहे हो भाई ऊपर स्नो, इधर देखो इधर स्नो ही स्नो है भाई, इधर सब एकदम ऊपर मस्त व्यू है भाई मस्त। तो अब यहाँ से निकलता हूँ आगे और आप लोग को दिखाता हूँ वो व्यू। तो फैमिली देखो ये व्यू देखो, हमारे साथ बह रही है चिनाब रिवर, उधर रही चिनाब रिवर, ये रहा रोड और वो ऊपर देखो वो दिख रहा है पहाड़ी पहाड़। ये देखो छोटकू सी वाटर क्रॉसिंग, छोटकू सी वाटर क्रॉसिंग मिली है हम लोग को जो क्रॉस कर लिया, तो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग थी। चुनाव रदी रोड और ऊपर सन भागो, वहां से सन का नजारा देखो, ऑरेंज ऑरेंज लाइट कितनी अच्छी लग रही है। ये ऊपर का व्यू देखो, ऊपर का व्यू लग रही होगा आप लोगों, ग्लेशियर एकदम पूरे व्हाइट व्हाइट है। चलते भाई निकलते हैं आगे, न तो फिर लेट हो जाएगी हम लोग को ज्यादा, क्योंकि पहाड़ों में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हमारी गाड़ी का। और ये देखिए गाय लोग को, हेलो भाई, ऊपर का व्यू देख रहे हो एकदम पूरा स्नो से ढका हुआ है, मस्त भाई भाई मस्त लोकेशन है भाई, क्या मजेदार है। एक तरफ ऑरेंज कलर का सर भगवान, एक तरफ व्हाइट कलर की स्नो, एक तरफ what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here, I can't be too sure, but one day I'll
seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? मस्त में जा रहे हैं भाई। वी सिंह पुल और इस पर कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लैग लगा हुआ है जो। तो हम लोग अभी नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ से दो नदियां मिलती है, ये हो गया चिनाब नदी और उधर से मिलती है कौन सी नदी है भाई पता नहीं है, मैं तो पता करके जरूर बताऊंगा भाई। चेतावनी ये भाई सॉरी नदी का नाम पता नहीं, लेकिन भाई हम कैप्चर में जरूर डालूंगा इस नदी को, क्या नदी था जो। सॉरी गाइस, इधर के कुत्ते को देख लो भाई, इधर कुत्ते का बाल कितना बड़ा बड़ा होता है जो। हट जाए यार रास्ता छोड़ के। हाँ अब बताता हूँ भाई, ये नदी का नाम भागा नदी है और यहाँ पर संगम होती है चिनाब नदी और भागा नदी का। और ये रहा भागा नदी पर ब्रिज, टांडी ब्रिज, ये देखो टांडी ब्रिज भागा नदी पर बना हुआ। मस्त रोड, अब हम लोग को चढ़ाई फिर से शुरू होगी। टांडी 0 किलोमीटर के लॉन्ग, 7 किलोमीटर हम लोग का उकना केलोंग में, और चढ़ाई फिर से शुरू हो गई है केलोंग के लिए, क्योंकि जो टांडी बसा हुआ है जो 8000 कुछ फीट पर बसा हुआ है और केलोंग है जो 10100 कुछ फीट पर बसा हुआ है। तो हम लोग का जस्ट एक केलोंग नदी पर है और ये देखो ये भागा नदी है और इधर का पहाड़ों को देख लो भाई, ये देखो। अब शेर जी का धनो धोखा दे देती है। तो गाय चलते हैं आगे, पेट्रोल तो यहाँ पर भरा नहीं है, वहाँ पर पेट्रोल पंप था लेकिन एक भैया ने बोला एक आगे भी पेट्रोल पंप है, तो वहीं से हम लोग पेट्रोल पंप भराएंगे जो लास्ट पेट्रोल पंप होने वाला है। और हम लोग को पता ही है कि लेह जाना है तो वहाँ तक तो पेट्रोल लेना पड़ेगा ना भाई, 363 किलोमीटर। तो गाय जी इधर साइड देखो, हमारे लेफ्ट साइड देखो, ये पानी है जो ऊपर से आ रही है ग्लेशियर से और नीचे बह के नदी जा रही है। देखो पानी गंदा नहीं है, वो बालू के ऊपर से जब मेल्ट होके आती है तो बालू मिट्टी में मिलने आने से कारण क्रिया हो जाती है। और वह ऐसा है कि पहले टांडी में लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था, लेकिन इस बार केलोंग में भी पेट्रोल पंप खुल गया था, हम लोग केलोंग में ही रहेंगे, केलोंग में पेट्रोल फिलअप भी करवा लेंगे। इसके बाद लगभग में 250 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है भाई।
देखो भाई पहला वाटर क्रॉसिंग में मिल गया, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई ये भाई ये भाई 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 जूता नहीं मंगाना है तो ठंडा मार देगा। कल से हम लोग राइड करेंगे तो कोशिश करेंगे भाई कि वो बूट जो वो मैं बूट पहन लूँ और उसके बाद राइडिंग स्टार्ट करूँ। ये देखो ये पुल बन रही है उधर, किसी का दिक्कत ना हो। और ये देखो भाई भैया ने तुरंत पास दे दिया कि बाइक वाले हो जाओ यार, पहले तुम लोग जाओ। यहाँ पर फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग मिली थी भाई। ये पुल है कि टूट गया है, इसके लिए नया पुल बनाया जा रहा है। और ये देखो ये व्यू देखो भाई, ये नज़ारा एंजॉय करो। निकलता हूँ आगे और रोड 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 खराब भी मिलने वाले हैं अब गाइज, रोड ऐसा ही मिलने वाले हैं। ऐसा करूँगा भाई कि किलाऊंगा जब जाऊँगा पेट्रोल लेने तो थोड़ा सा हवा भी चेक करा लूँगा। यहाँ पर नहीं भाई गाइज रोड तो अच्छा मिल गया यार, हमने सोचा था कि ऑफ रोड रहेगा, कोई नहीं। तो ये भाई उधर का लास्ट पेट्रोल पंप है, तो कोशिश करना कि यहाँ पर आके फिलअप करवा ले। किसी बाद 250 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगी तो हम लोग फिलअप करवा ही लेते हूँ। ठीक है मैं फिलअप करवाता हूँ। ऐसा था गाइस ये यहाँ का लास्ट, हिमाचल का लास्ट, ये देख लो भाई पीपल ऑफ मनाली ले हाईवे, ये देख लो मनाली से रोहतांग पास सिसु टांडी जिस्पा बीच में केलांग जो हम लोग अभी हैं, इसका फोटो ले लो। 3300 मीटर जिस्पा 29 किलोमीटर जाटरा 16 किलोमीटर, ये देखो पूरा। जब तक नहीं आया जब तक ले लेता हूँ। सबसे ज्यादा स्नो अगर देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या मस्त है भाई, स्नो ही स्नो है, स्नो ही स्नो है। हम लोग को किलोंग में रूम मिल गया है होटल नालवा, और ये पूरा देख सकते हैं कि ये पूरा वुडन का वर्क किया हुआ है। और हम लोग अभी जैकेट में ही हैं। अरे आप लोग को बाहर व्यू दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो यहाँ से पूरा हिमालय झलकाई देगा। और एक चीज़ अच्छी बताऊँ, यहाँ पर रूम बहुत सस्ता मिला, आप लोग भी आते हैं तो यहीं पर स्टे करो। और यहाँ का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तब तक के लिए बाहर का सामान लाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।